ओके सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल सभी का। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैनम गेमिंग एंड आप सभी का स्वागत है आज की ब्रांड न्यू वीडियो में गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड हमेशा बढ़िया ही रहना यार। तो फिलहाल आप सभी को पता है, आपने बहुत से बड़े यूट्यूबर्स के चैनल पे देखे होंगे वीडियोज एरेंगल 2.0 के, बट आपको भी पता है वो यार गेम फॉर पीस का है। और लिटरली गाइस मैंने देखा गेम फॉर पीस और बीटा वर्जन में जो इरेंगल 2.0 आया है उसमें बहुत फ़र्क है यार एक्चुअली यार। तो इसलिए मैंने सोचा अभी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ इरेंगल 2.0 के लिए। एंड ये अपडेट आपको आएगा 1.0.0 शायद यही है ना। तो इस अपडेट में आपको पबजी मोबाइल में ये मैप देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज सिर्फ लॉबी की बात करने वाला हूँ, आज ये वाला वीडियो सिर्फ लॉबी का ही है ना, लॉबी किस तरह से लगती है। तो ये पहले देखो यार, ऊपर आपको देखो लाइंस दिख रही है ना, तो मैंने उन लाइंस में से बीच वाले पे क्लिक किया तो देखो मैं यहाँ पे आ गया एक परफेक्ट लॉबी में, जहाँ पे सब मैं स्टार्ट वगैरह कर सकता हूँ एंड आखिर में इवेंट्स मिल जाते हैं। अपकमिंग इवेंट्स हो चाहे जो रनिंग कर रहे हैं अभी वो इवेंट्स हो, वो इसमें देखने को मिल जाते हैं। और ऊपर देखो प्लस का आइकन है, मेरी आईडी लिखी है वैनम गेमिंग उसके नीचे, तो वहाँ पे क्लिक करने से आप इनवाइट भेज सकते हो, सिंपल है ना। तो फिलहाल मैं नीचे क्लिक कर रहा था ब्रदर्स इन आरेना, तो उसमें ये लिखा आया यार लेवल का कुछ है ना, देखते हैं। और चेयर पैक है उसके नीचे, और बाय द वे यहाँ पे नीचे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों वैसे कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे वीडियो देखो है ना, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ एक्चुअली है ना। तो फिर मैं अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाई मतलब बहुत ही अच्छा है, स्ट्रक्चर वगैरह बहुत चेंज है, लेकिन मैं आपको सब दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने वेयरहाउस पे क्लिक किया और मैं एक तरह से इन्वेंट्री में आ गया, पता नहीं इन्वेंट्री क्यों नहीं लिखा था, वैसे इंग्लिश में ही है सब, बट पता नहीं क्यों इन्वेंट्री की जगह वेयरहाउस लिखा है। एंड वर्कशॉप पे मैं क्लिक कर रहा था तो ये अभी कुछ नोटिस दिखा रहा था मेरे को। और फिलहाल यहाँ पे कुछ S9 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप शायद से रैंक देख सकते हैं अपनी है ना। और ये मैंने फ्रेश आईडी स्टार्ट किए, कोई भी मैच नहीं खेला इसलिए ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ, प्लस हो माइनस हो जो भी हो है ना। और यहाँ पे देखो मैप्स दिख रहे हैं कुछ इस तरह से, आपको बहुत डिफरेंस है यार पता चल रहा है सिंपल मतलब। और एरेंगल 2.0 एक तरह से हरियाली पे डिपेंड है, तो ये भी एक तरह से मतलब ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिख रहा है ना। और ये जो स्ट्रक्चर चेंज किया है देख सकते हो आप, मिशंस में गया डेली मिशंस, और देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग ही लग रहा है। वो इसलिए शायद क्योंकि पबजी बैन होने वाला था, वैसे नहीं हुआ क्योंकि पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली पबजी ने, लेकिन ये एक रीज़न हो सकता है क्योंकि शायद जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंज लाएं, तो मतलब एक तरह से अलग ही गेम हो गया ना, पहले से बहुत फ़र्क आ गया मतलब गेम में है ना। और वैसे ये हमको भी बहुत मतलब सही नहीं रहेगा स्टार्टिंग में देखने के लिए, बट धीरे धीरे इसकी भी आदत लग जाएगी ना, सिंपल बात है। और यहाँ पे भी इवेंट्स आ रहे हैं बीच वाली लॉबी में भी, और लेफ्ट में अगर मैं ये जहाँ पे पहले था होम पे, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि ये सब आईडी का है, आपकी आईडी आप किस क्लैन में हो क्या है सब कुछ है ना, इसमें सब दिखाया गया है। एंड अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हो तो हो जाएगा, बट इनवाइट तो आप बीच वाली लॉबी में ही भेज सकोगे, अगर सोलो खेलना है सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट बटन वहाँ पे भी है ना। और लाइक लॉबी पूरी तरह से चेंज की गई है, मतलब वैसे बढ़िया ही है ना। और गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।